से व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। आज के ब्लॉगिंग चैनल में हम आ चुके थे सीयूटी के आखिरी एग्जाम देने के लिए। सीयूटी के आखिरी एग्जाम में इंग्लिश और जीके था। जीके का थोड़ा काफ़ी हार्ड था कि जस्ट इसके नियर बाय में एक पार्क मिला जो कि काफ़ी बढ़िया था और मौसम भी ठीक ठाक था। तो ये कुछ मेरे दोस्त वोस्त मिले हैं। हेलो करो। तो ये बताओ मुझे, ये कौन सा पार्क बाबू? मडन डेयरी। मडन डेयरी, वाओ मडन डेयरी। और मडन डेयरी के पास जस्ट ये मेरे को मिला वन मैन ऑफ आर्मी, मतलब एक एयरोप्लेन है। जस्ट उसके पीछे कुछ और है, मैं उसे आपको जाते हुए दिखाऊंगा। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, अच्छा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ तीसरी। तीसरी, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो बाबू। तो यहाँ पे अच्छा लगता है खेलना? यस। और इस पार्क के बारे में कुछ बताओगे? क्यों डरते हो क्या? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नियर बाय में अगर पार्क हो ना तो वहाँ पे खेलते हुए जाओ, घर में बैठोगे गेम खेलोगे कुछ मजा नहीं आएगा। तो जस्ट थोड़े बहुत आओ आसपास के पार्क में, देखो कितनी अच्छी पार्क है। मैं अभी यार लेट हो रहा है, घर घर भी जाना है भाई। हम लाजपत नगर से आ चुके हैं, सीयूटी का एग्जाम तो खत्म हो गया और मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके पीछे का पार्क। हम लोग अब जा रहे हैं, पेपर हो गया बस, बाकी तो पेपर ऊपर हो गया और काफी भीड़ थे। और मैं आप इधर कौन से है? दयानंद कॉलोनी। दयानंद कॉलोनी माय गॉड, महाऋषि दयानंद कॉलोनी, ये अमर कॉलोनी पास भी पड़ता है। नहीं यार, अमर कॉलोनी पास भी ये पड़ता है, महाऋषि दयानंद कॉलोनी मेट्रो में लाइन इतनी लंबी थी कि मैं बता नहीं सकता था यार, काफ़ी लंबी थी। अगर हम लाइन में भी लगते ना टिकट लेने, मिनिमम 10 या 9 तो बच जाता। सो हम जस्ट इसके पीछे गंदे का जूस है तो हम पीने आ गए, और ये काफ़ी मस्त है, उसके जस्ट साइड में ही है। और ये क्या बताऊँ, हाँ वही मेरे को दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो कह रहा था मैं, यहाँ पे मतलब गाँव जैसे फील लग रहा है, बाकी यहाँ देखो पूरी खाना है और ये गंदे का। ये कुछ एरिया मेरे को अजीब नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा बहुत सुनसान, मतलब विलेज की तरह लग रहा है, आगे खेल रही हूँ, विलेज जैसे लग रहा है थोड़ा बहुत। कुछ ध्यान से नोटिस करना, काफी बढ़िया है। और ये देखो जो टावर है ना, कैसे लग रहा? बुर्ज खलीफा जैसे, बुर्ज खलीफा लग रहा है ना, थोड़ा बहुत बुर्ज खलीफा लग रहा है भाई। शालीमार बाग के अंदर बुर्ज खलीफा, वाओ बहुत ही अच्छी बात है। सो दुबई में तो हमने बुर्ज खलीफा देखा नहीं, तो अगर आपको बुर्ज खलीफा देखना हो तो शालीमार बाग जस्ट गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के जस्ट थोड़ा आगे ही आए तो आपको ये शालीमार बाग का बुर्ज खलीफा दिखेगा। लाइटिंग वाइटिंग तो है नहीं कुछ भी बुर्ज खलीफा में, आप पता नहीं रात होते ये साल कुछ दिख गया, अभी किसने बनाया कुछ मुझे पता ही नहीं यार, फैक्ट्री तो। आखिरकार हम आ गए और ये हमें गांव की सीन जैसे कुछ यूनिक सा दिखा है। तो गाइस जैसे कि काफ़ी देर हो गया हम शालीमार बाग के अंदर ही घूम रहे हैं और जैसे शालीमार के बुर्ज खलीफा के आसपास भी घूम लिया। अब हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन पर टिकट लेंगे और फिर उसके बाद बिरवापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अबे हिलता ही नहीं यार, ये हिलता ही नहीं है, हिलाओ हिलाओ। (laughs)